क्या आज मौसम ठीक है बेटा? चलिए बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे। दोनों लेक्चर आपने देखे होंगे, आपको समझ में आए होंगे। जो भी प्रॉब्लम हुई आपने, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछी है, कुछ बच्चों ने मुझसे नहीं पूछी। सभी को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। जो सो के उठे अभी उनके लिए गुड मॉर्निंग बेटा। सभी बच्चे, बेटा आने से पहले एक काम आपका होता है कि आपको लाइक बटन दबाना होता है। एक छोटी सी गुजारिश मैं आपसे करता हूं कि आप आए तो सबसे पहले लाइक बटन दबाएं। रोज रोज आपको कहना पड़ता है लेकिन आप मानते नहीं है। चलिए आज हम न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। किसका? ओके बेटा, वेरी गुड। मिट्टी, मिट्टी तो बहुत प्यारी बच्ची है, मिट्टी बच्चा तो बहुत प्यारा है। देखिए बेटा, इसमें हमारे 10 न्यूमेरिकल हैं, 5 में कराऊंगा, 5 आप करेंगे। 10 न्यूमेरिकल, छोटे छोटे न्यूमेरिकल, बेहद ही आसान न्यूमेरिकल। मैं पहले फॉर्मूले लिख दूं, आपको भेजे भी थे मैंने ग्रुप में फॉर्मूले। गिनती के कितने फॉर्मूले हैं बेटा? बैग मिल गया आज आपका, क्या बात? बस बेटा बातें नहीं। ये फॉर्मूले बेटा आप लोगों के, ठीक है? ओके, पेज नंबर 9.2 एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल, पेज नंबर 2 9.2 एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल। फर्स्ट संख्या 9.2, फर्स्ट संख्या 9.2। कोई कोई लेके नहीं जाएगा बेटा चप्पल मंदिर में, ठीक है? मंदिर से चोरी करते हैं चप्पल, कोचिंग से नहीं करते, ठीक है? आइए बेटा, मजाक से हटके क्वेश्चन पर आते हैं। पेज नंबर 9.2 निकाले क्वेश्चन बैंक का। दीदी को पानी दे दो बेटा, थक गई होंगी, बहुत दूर से आई पैदल पैदल। रसमा बेटा बातें नहीं। आइए बेटा, क्वेश्चन मैंने उतार दिया, जरूरत नहीं है अभी क्वेश्चन। आओ, ये क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर 9.2 पर। पेज नंबर 9.2 पर आपको टीपी दे रखा है, लेबर दे रखा है, आपको एपी और एमपी निकालना है। ये भ्रमित करने के लिए पता क्या दे रखा है उन्होंने? एपीपी। क्या कायदे में? एपी है। एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट को एपी भी कहते हैं, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट को टीपी भी कहते हैं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट को एमपी भी कहते हैं। तो राजा बताओ, एपी का फॉर्मूला क्या होता है? टीपी को डिवाइड कर दो किससे? कर दो भैया, जीरो को जीरो से करा इंफिनिटी आता है, इन्फिनिटी आता है। जीरो को जीरो से करते हैं इन्फिनिटी आता है, लेकिन हमारा इकोनॉमिक्स कहता है कि ऐसे क्वेश्चन पे इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखते हैं? कैसे? खाली छोड़ देंगे, हमारे पास से बाहर है क्वेश्चन, जीरो लेवल है ना। 5 को 1 से किया 5, 12 को 2 से किया 6, 20 को 3 से किया 6.67, 28 को 4 से किया 7, 35 को 5 से किया तो भी 7, 40 को 6 से किया 6.67, 42 को किया तो 6। इतना आसान है। और राजा बेटा एमपी बताओ कैसे निकलता है? टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, टीपीएन माइनस टीपीपी कर लो,
क्वेश्चन की थोड़ी सी ना इज्जत रख लेते हैं हम लोग, उसने पीपी पूछा तो हम पीपी भी लिख लेंगे, इज्जत करनी चाहिए दूसरों की। ठीक, पहला वाला तो एमपी क्या छोड़ेंगे आप, ब्लैंक, क्योंकि इससे पहले वाला आपको पता नहीं। अब देखो टीपी है, पांच में से जीरो गए, बारह में से पांच गए, एन में से इससे ऊपर वाले यूनिट माइनस करेंगे, बीस में से बारह गए, अट्ठाईस में से बीस गए, पैंतीस में से चालीस में से चालीस में से। सो सिंपल क्वेश्चन, इतना आसान। बेटा डैश लगाना है कार में, डैश लगाना है, ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, डैश लगाकर छोड़ेंगे आप। जीरो तो लिखेंगे नहीं, इन्फिनिटी की जगह हम क्या, जीरो होगा तो जीरो लिखेंगे, इन्फिनिटी की जगह हम डैश लगाकर छोड़ेंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन को कॉपी करें, इस क्वेश्चन को अपनी पुस्तिका में कॉपी करें बेटा, उत्तर पुस्तिका में। दिखाएंगे आप उन्हें, अमेलिया होमवर्क लिखे बेटा, टू थ्री फोर होमवर्क हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर टू थ्री फोर। यस टू थ्री फोर, बाकी में कुछ नहीं करना, एमपी दे रखा है, एमपी से क्या निकालना है, टीपी और एपी निकालना है, फॉर्मूला यूज करना आगे पीछे। रब कर रहा हूं बेटा मैं, यस देख ऑनलाइन वाले कर भी लिया तुमने, तो स्टार्ट नहीं किया। दो मिनट के काम को तुम दस मिनट में करवाते हो। मुझे होमवर्क भेजेगी बेटा, जिसने अगर मेरे को होमवर्क नहीं भेजा ना ग्रुप में, मैं ग्रुप से लेफ्ट कर दूंगा उसको। इस धमकी फॉर्मले होमवर्क करने हैं और क्या, आपको भी करने हैं, ऑनलाइन वाला करेंगे तो आप भी करोगे, कैसी बात करते हो बेटा तुम। आइए मैं करा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव देखिएगा बेटा, आपको यूनिट गिवन है एक दो तीन चार पांच छह, यूनिट ऑफ लेबर है बेटा ये, ठीक है जी, और आपको टीपी गिवन है बीस पचास सत्तर अस्सी अस्सी पिछहत्तर। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द थ्री फेज इन लो वेरिएबल प्रोपोर्शन, लो वेरिएबल प्रोपोर्शन में तीन फेज होते हैं, जल्दी से बताएं कौन कौन से, लो वेरिएबल में तीन फेज होते हैं कौन कौन से, तीन स्टेज होती है, फेज का मतलब स्टेज, लो वेरिएबल में तीन स्टेज होती है कौन कौन सी, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न एंड नेगेटिव रिटर्न। 9.2 पेज नंबर पे हम बात कर रहे हैं बेटा, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न एंड नेगेटिव रिटर्न। तीन स्टेज होती है, तो फेज बताना मुझे यहां पर, फेज बताने के लिए मुझे एमपी की जरूरत पड़ेगी बेटा, क्योंकि फेज तो टीपी और एमपी होती है, और एमपी कैसे निकलता है देखो बेटा, एमपी कैसे निकलता है टीपी से, टीपी एन माइनस, पहला तो ब्लैंक छोड़ोगे राजा क्योंकि इससे पहले वाला पता नहीं, 50 में से 20 गए, 70 में से 50 गए,
अब कुछ टीचर जीरो लेवल वन लेवल है ना, देख लो बेटा कुछ टीचर वन लेवल होता है तो वन फर्स्ट लेवल पर जो टीपी होता है उसी को क्या लिख देते हैं, 20 लिख देते हैं। अब देख लेना गलत नहीं है, आपकी मैम ऐसे करा रही है तो गलत है, क्योंकि जीरो लेवल होता है तो मैं खाली छोड़ूंगा, लेबर है नहीं तो प्रोडक्शन तो हुआ नहीं। हाँ वन लेवल पर टीपी रैंक भी क्या कर देते हैं टीचर, बराबर कर देते, तो आप भी बराबर लिख दे, कोई फर्क कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। पर ये देख लेना मैडम ने कैसे करा बेटा, 11th में हम चलते हैं मैडम के हिसाब से, समझ रहे हो ना उस चीज को। पेपर कौन चेक करेगा, नोट अजर आना योर मैडम एंड सर। अब पहला फेल बताओ, एमपी कहां तक पढ़ रही है बेटा, एमपी कहां तक पढ़ रही है बताओ, एमपी यहां तक पढ़ रही है। अबे यहां तो 10 आएगा, किसने 80 लिखा है। ये हो गया फर्स्ट फेज, उसके बाद यहां से घटना शुरू हुआ जीरो तक, ये कौन सा फेज हो गया, फिर जीरो से नेगेटिव चला गया, कौन सा फेज हो गया, इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न, इसको बोलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न, इसको बोलेंगे आप पूरा लिखेंगे फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। मैं मार्कर बचा रहा हूं आपको, पेन नहीं बचाना। हाँ बेटा सुमित 10 लिख दिया बेटा, सॉरी हमने 80 लिख दिया सुमित बेटा, 10 लिख दिया हमने, गलती मान ली बेटा हमने, सुमित बेटा ने गलती पकड़ ली, किसी और बच्चे ने गलती नहीं पकड़ी बेटा। हाँ बस ये न्यूमेरिकल है, हाँ ये कर सकते हैं। देखो चेंज यहां पे कितना चेंज हुआ, टीपी का फॉर्मूला बेटा ये वाला फॉर्मूला, दीदी कह रही है सर ये वाला लगा के दिखा दो, ये देख लो एक बार बेटा, एक बार देख लो एमपी का ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, एक बार देखो दीदी कह रही है, मुझे बताओ टीपी में कितना चेंज आया, टीपी में कितना चेंज आया लेबर में, तो 20/1 ये कितना चेंज आया, सिंपल। लेकिन ये आसान है ऐसे ऐसे ऊपर वाला। जी बेटा सुमित रख लिया, क्वेश्चन नंबर 5 भी होम 6 होमवर्क लिखे बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क लिखे, 2 3 4 6 2 3 4 6 क्वेश्चन होमवर्क लिखे। अब बताओ बेटा इकोनॉमिक्स कितनी आसान है नहीं, बताओ कुछ न्यूमेरिकल है ये बेटा, बताओ इकोनॉमिक्स आसान है नहीं है, कमेंट में लिखकर बताएं क्या इकोनॉमिक्स आसान है, हाँ या ना। कितने टुच्चे टुच्चे किस्म के न्यूमेरिकल है बेटा, आसान आसान टुच्चे को बोलते हैं बेटा आसान। किसी एक ही पार्ट है आ
आइए क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूं बेटा मैं, क्वेश्चन नंबर 7। सेवन में भी फेज निकालने, आपको लेबल दे दिया है 1 2 3 4 5, आपको ए पी दे दिया है 20 24 28 29 27, लेकिन बेटा फेज निकालने के मुझे क्या चाहिए होता है, लो वेरिएबल किसका रिलेशनशिप होता है, टीपी और एमपी। क्या मुझे इस क्वेश्चन में टीपी एमपी है, लेकिन मैं निकाल लूंगा, मुझे पता है टीपी कैसे निकलता है, कैसे निकलता है एपी इंटू, कैसे निकलता है निकाल 20 एकम 20 24 48 28 के मेरे बेटा आगे बता तुम्हें तो मेरे को नहीं पता 84 ये 56 84 आएगा ना लायक 29 into 10 116 27 into 5 टीपी निकल गया तो मैं एमपी निकाल सकता हूं, ये मैंने निकाला एपी इंटू एल कर, एमपी कैसे निकलेगा टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस, बताओ पहला तो 20 रख दिया 48 में से 20 गए 28 36 है ना 32 19। अब फेज बताओ बेटा, जब एम तक एमपी बढ़ता है एमपी कहां तक बढ़ रहा है, ये कौन सा फेज हो गया, फिर यहां से एमपी घट रहा है, ये कौन सा फेज हो गया थर्ड फेज आई नहीं, कोई बात नहीं प्रोड्यूसर समझदार था वो थर्ड फेज में गया ही नहीं, सेकंड फेज तक क्या हो गया प्रोड्यूसर रुक गया, तो यहां कितने फेज बने सिर्फ हमारे, कौन सा इंक्रीजिंग और पूरा लिखेंगे बेटा, क्या इंक्रीजिंग रिटर्न टू डिमिनिशिंग रिटर्न टू फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज या फर्स्ट फेज सेकंड फेज, थर्ड फेज में बनी नहीं रहा, थर्ड फेज का होता है जब नेगेटिव चला जाता है, एमपी गया क्या नेगेटिव, क्या हो गया क्या, कहां बिजी थे ये, कितना टाइम लगा पता है उस पहले वाले क्वेश्चन को, कितना समय दिया उतारने का भैया, एपी और लेबर दे रखा था, लेकिन मुझसे फेज पूछे हैं, पूछे हैं वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या होता है फेज टीपी और एमपी से निकलता है, तो एपी से मैं क्या निकाल लिया टीपी, टीपी का फॉर्मूला होता है एपी इंटू एल, निकाल लिया मैंने 20 एकम 20 24 30। हाँ जब एमपी बढ़ती है तो इंक्रीजिंग रिटर्न, जब एमपी घटती है और जीरो तक आ जाती है तो डिमिनिशिंग रिटर्न, और जब एमपी नेगेटिव में चली जाती है तो नेगेटिव रिटर्न, क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क लिखें, इसमें खाली स्थान भरने हैं आपको, तो क्वेश्चन होमवर्क हो गया आपके 2 3 4 6 और 8 और 10 भी होमवर्क लिखे बेटा, मैं सिर्फ 9 करा रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 कराऊंगा, ये होमवर्क है न्यूमेरिकल एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल के। रब कर दूं अरे भैया करा देंगे तो खत्म होने दो ना, क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बेटा जो अब तक हमने करे वो क्वेश्चन, तो किस्मत अच्छी हुई तो आते हैं क्वेश्चन, ऐसे आते हैं बचपन में आपने सुना होगा खाली स्थान भरो,
आपको क्या दे रखा है बेटा, लेबर दे रखा है। यहां देख ले बेटा एक बार, राजा क्या दे दिया, टीपी दे दिया आपको, क्या दिया दूसरा, नाइन्थ क्वेश्चन में एपी एमपी हीरो दिख रहा है, लेबर कितने हैं, रुक जाओ रुक जाओ, टीपी फाइव है, 31 है, 6 है, 6 है, 7 है और 5 है, बाकी सारे बेटा क्या है, खाली स्थान, बाकी सारे क्या है, खाली स्थान है। ठीक, फॉर्मूले आपके पास रखे हुए सारे, देखिए हमने नीचे फॉर्मूले वहां लिखे हैं सारे, ध्यान रखिए जब क्वेश्चन आएगा ना तो जो जो फॉर्मूले आप इस्तेमाल कर रहे हैं क्वेश्चन के नीचे फॉर्मूले लिखे होने चाहिए आपके। एक नंबर उस चीज का होता है कि आपने फॉर्मूले लिखे हैं, अगर आपने फॉर्मूले लिखे तो टीचर ये समझे कि सामने या आगे वाले का आपने क्या कर लिया होगा, चेप लिया होगा, क्या कर लिया होगा, तो जो फॉर्मूले आप इस्तेमाल कर रहे हैं, टीपी का कौन कौन से फॉर्मूले हमारे पास है, दो फॉर्मूले, ठीक है जी। लेकिन मैंने क्या बताया था, पहली वाली मिनट पर तो सभी के सभी क्या आएंगे बेटा, बराबर नहीं आ रहा, तो देख लो एपी कैसे निकलता है, टीपी डिवाइड बाय लेबर, टीपी कितना है, लेबर कितना है, और पहले इनको मैंने बताया पहले इनको टीचर कितने रखते हैं, सेम एज टीपी। अब टीपी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एपी इंटू एल, सॉरी नहीं क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा एमपी, तो 5 में 6 प्लस कर लू कितना आ जाएगा, 11, 5 ऐसे एरो नहीं लगाएंगे, वो तो समझाने के लिए लगाया मैंने, 5 में 6 प्लस करो तो कितना आएगा, 11। अब टीपी का दूसरे वाला फॉर्मूला एपी इंटू एल, 6 3 जा एपी 6 है, लेबर 3 कितना, फिर टीपी का दूसरे वाला फॉर्मूला 18 में 7 प्लस किए 25, कोई एक चीज निकाल। तो मैंने टीपी के कितने फॉर्मूले यूज करे, दोनों फॉर्मूले यूज करे, कुछ आंसर इससे निकले, कुछ आंसर एमपी से निकले, कुछ एपी से कुछ एमपी से, यहां तक बात क्लियर हुई। अब आगे देखो, अब एपी का फॉर्मूला होता है टीपी अपॉन एल, 11 को 2 से डिवाइड किया 5.5, 25 को 4 से डिवाइड किया कितना आया जल्दी बताओ, 25 को 4 से डिवाइड किया 6.25, और 31 को 5 से किया 6.20, ये दिखाई नहीं दे रहा, एपी का फॉर्मूला लगा रहे टीपी अपॉन एल, 11 को 2 से करा 5.5, 25 को करा 6.25, 31 को करा जल्दी बताओ 6.20। और एमपी का फॉर्मूला बताओ जल्दी से मुझे, एमपी का फॉर्मूला क्या होता है, टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। अब देखो यहां का वैल्यू निकालने के, तो 18 में से 11 गए 7, 31 में से 25 गए 6, निकल गया। अब ये वैल्यू तो बच गई ना हमारी, यहां भी यूज कर लो, 31 में अगर मैं 5 जोड़ दूंगा कितने हो जाएंगे 36, और 36 को 6 से डिवाइड कर दूंगा कितना जाएगा 6। आप पैरों पैरों नहीं लगाएंगे, ठीक है जी, इसे उतारो, एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं हम आपको, उतारो उसे पहले, फिर एक क्वेश्चन और कराते, इसे कॉपी करो, एक क्वेश्चन और कराते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो दूसरे वाला आ जाएगा समझ में। कल सुबह ना मुझे 10 बजे ना मैसेज या फोन कर दिया, भैया कॉपी चेक कर दो, कॉपी चेक नहीं करी यार अब तक, भूल जाता हूँ यार, मुझे तक समय नहीं मिल पा रहा। करिए एक क्वेश्चन और करके दिखाऊंगा बेटा मैं ऐसे ही, इसमें क्या होगा कोई बच्चा बताएगा, तीनों फॉर्मूले एक साथ यूज कर रहे हैं, तीनों फॉर्मूले क्या हो रहे हैं इसमें, मैं 10वां क्वेश्चन आपको करा के दिखा रहा हूं।
डन, वेरी गुड। हो गया बेटा पीछे वाले बच्चों का। बेटा उधर का तो दिखाई दे रहा होगा ध्रुव, एमपी नहीं दिख रहा। थोड़ा सा उधर करके लिखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कराता हूं बेटा, जिन्हें समझ में नहीं आया क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 10 यहां करा देता हूं, सबको दिख जाएगा। देखो बेटा यूनिट ऑफ लेबर, लेबर कितने दे रखे जल्दी बताओ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको टीपी गिवन है, एपी गिवन है और एमपी। जीरो 18, 90 जीरो 18 और 90 किसका है, फोर्थ यूनिट पर 90। 0, 22, 0, 22 और 10 तीसरी यूनिट पर, दूसरी यूनिट पर 22, 5 पर 18। ये बेटा बाकी खाली स्थान है, बाकी क्या है अब दिख रहा है। अब देखिएगा बेटा खाली स्थान भरें। पहले कोई एक चीज निकाल लेते हैं, टीपी के कितने फॉर्मूले हमारे पास, दो, एक ये रहा। तो पहले को तो देखो 0, 0, 0 सब पे आ जाएगा, बात खत्म। पहले को तो छोड़ दो, खाली छोड़ना क्या कर दो, खाली छोड़ दो। जीरो नहीं रखना क्या कर दो, खाली छोड़ दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आगे देखो क्या करना है, पहली यूनिट पर मैंने क्या बताया था, टीपी का फॉर्मूला क्या होता है, एपी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, टीपी अपॉन लेबर होता है। तो 18 को 1 से डिवाइड किया क्या हो गया, और एमपी भी पहली यूनिट पर क्या आएगा। यहां तक बात क्लियर, ठीक है। अब लगाओ दो दो फॉर्मूले, 18 में 22 प्लस किए बेटा कितने हो गए, सिग्मा एमपी है ना, इसमें प्लस करेंगे अगला नंबर। उसके बाद एपी का फॉर्मूला लगाओ, एपी इंटू 12 22 इंटू 3 90 में 18 जोड़े और 10 में 6 मल्टीप्लाई करें, आया समझ में। आगे देखो एपी कैसे निकलता है, टीपी अपॉन एल, 40 को 2 से किया, 90 को 4 से किया, 22.5, 108 को 5 से किया, 22 आएगा बेटा। उसके बाद एमपी कैसे निकलता है बेटा, एमपी तो देखो 18 में से 0 गए 18, 40 में से 18 गए 22, 66 में से 20 गए, 90 में से 66 गए 24, ये 18 आ गया, 60 में से 30 गए 40, माइनस के 48, ठीक है जी, 60 में से 8 से तो माइनस 48, ठीक है, वेरी गुड। 90 का जवाब आ भी गया। क्या नहीं बेटा, ये एरो नहीं बनाने एग्जाम में, ये मैंने आपको हाँ अभी बना लो आपको याद रहेगा, लेकिन एग्जाम में नहीं बनाएंगे, एग्जाम में टीचर समझेगी कि बेवकूफ बच्चा है। वेरी गुड नव्या, वेरी गुड नव्या का जवाब आ गया सबसे पहले। तो 10वां मैंने करा दिया बेटा आपको, आप दोबारा दोनों क्वेश्चन ट्राई करना, लेकिन एक बार करना आपको अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की। एनसीईआरटी में इस प्रकार के 3 न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन 10, 11, 12 एनसीईआरटी, ये तो एक्सेल न्यूमेरिकल होमवर्क है, प्लस एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 11, 12 भी क्या बेटा होमवर्क, ये भी होमवर्क। आपको मुश्किल से आधा घंटा लगेगा बेटा क्वेश्चन करोगे तो, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा अगर आप क्वेश्चन करने बैठ गए तो।
ये मेरी तरफ से बेटा प्रोडक्शन चैप्टर समाप्त होता है, मेरी तरफ से प्रोडक्शन चैप्टर समाप्त होता है। सर आप बहुत तेज तेज चैप्टर करा रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता, हमारी मैम ने कुछ नहीं कराया बेटा, ऐसा नहीं है। दर्शन अकेडमी स्कूल है, दर्शन अकेडमी स्कूल में आधे से ज्यादा किताब खत्म हो चुकी है, मैंने तो कुछ भी नहीं कराया बेटा। दर्शन अकेडमी में आधे से ज्यादा किताब खत्म हो चुकी है और आधे बच्चों को पता भी नहीं है, मजे की बात है। एक्चुअली कार्मिक क्या है कि सिलेबस आपके स्कूल में जब खुलेंगे ना तो बहुत तेज चलेगा, ऐसा मत सोचो कि मैंने करा दिया मैं दोबारा नहीं कराऊंगा, एक बार सब कुछ खत्म होने दो, रिकॉर्डिंग भी आपके पास है, जब सब खत्म हो जाएगा तो एक बार और करा दूंगा मैं, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूं बेटा, जब तक आपके फाइनल एग्जाम नहीं होते तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, आपकी उंगली पकड़कर चलाता रहूंगा बेटा। दोनों आधी आधी, बाय बाय बेटा, टाटा बोलो, टाटा तो बोलो, टाटा नहीं बोलते बताओ, बाय बाय टाटा।